नमस्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रि अब समापन की ओर है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 13 अक्टूबर को नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी ने कठिन तप कर गौर वर्ण प्राप्त किया था। मान्यता है कि माँ महागौरी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उनके बिगड़े कामों को पूरा करती हैं। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन भोग में क्या चीजें लगानी चाहिए। महागौरी को हलवा का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरी चने हलवा घर में बनाया जाता है, जो पहले माता को भोग लगता है और उसके बाद घर में बाकी लोग उसे खाते हैं। मान्यता है कि माता रानी को काले चने बड़े प्रिय हैं, इसलिए इस दिन अपने घर में काले चने का भोग जरूर लगाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्सकाई के साथ।